मुंडा पांडे क्षेत्र के नजरपुर में उस वक्त हड़कंप सा मच गया जब अमन पुत्र अजय कुमार उम्र 3 साल गन्ने से भरी ट्रैक्टर के नीचे आ गया और बुरी तरह से घायल हो गया। घायल अमन को परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। अमन की उपचार के दौरान मौत हो गई। मौत की खबर सुनकर परिवार वालों में एक कोहराम समझ गया। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया, लेकिन कुछ ग्रामीणों ने पीछा करते हुए ट्रैक्टर व चालक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने अमन को मृतक घोषित कर दिया और पुलिस ने पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। परिवार वालों में अमन की मौत की खबर सुनकर रो रो कर बुरा हाल है। बीच वाले ना आया था जी, क्या मामला हुआ? सभी रोड के सामने रोड पर जाते हुए बच्चा कुचल गया। किस चीज से? ट्रैक्टर खिलाड़ी। किस टाइम घटना है? 3 बजे के आसपास। कहाँ से आ रही थी ट्राली? कहाँ जा रही थी वो? खेत पर आ रही, सेंटर जा रही थी। सेंटर जा रही थी। अब कहाँ है बच्चा? अब बच्चा पोस्टमार्टम में। क्या नाम है बच्चे का? अमन। कितनी उम्र के है वो? 3 साल। 3 साल। FIR दर्ज हो गई आपकी? हाँ हो गई सर। कहाँ पर कराई है FIR? मुंडा पांडे थाने में। थाने में। मेरा नाम बाबूलाल जी, निवासी का नाम नागरपुर बीच वाला। मेरा पोता अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था और सूरज दिशा से भानु प्रसाद पुत्र देवाराम देवाधीराम नागरपुर गन्ने लगी चुराई लेकर आ रहे थे और ट्रैक्टर बहुत तेज़ी से लापरवाही चला रहे थे और लड़का वहीं ट्रैक्टर की ट्रैक्टर टक्कर मार दी और ट्रैक्टर लेकर मार दी। लड़का वहीं मर गया था और आप भाग भाग कर ये देखा तो यहाँ गन्ना सेंटर पर वहीं ट्रैक्टर टाली खड़ी थी। वही बच्चे को गोद में लेके वहाँ से आए तो सोचे सोचे अभी देखता अभी मरे सुबह पाँच सत्य साहब तो उसका उपचार कहा जाता है। बच्चा मर चुका था फिर भी भाग का हमारे पास नहीं आए, बस आप चले गए और पुलिस पहुँच गई थी वहाँ पर। हाँ साहब ने पुलिस बुलवाई, हमें बुलवाई पहुँची। FIR दर्ज हो गई आपकी? हाँ FIR दर्ज होगी सर। बच्चे का क्या नाम है? बच्चे का नाम अमन है। पिता का नाम? पिता का नाम साहब उसके है जय कुमार। ठीक है। बच्चे की आयु 3 वर्ष है सर। ठीक ठीक। हाँ और FIR दर्ज होगी साहब। लास्ट पोस्टमार्टम हम पे रखी है।